ये भारत के प्रधानमंत्री जी का जो एक्चुअल में भारत स्वच्छ अभियान है वो एक मात्र जो है साफ सफाई और झाड़ू से संबंधित, शहर में साफ सफाई संबंधित नहीं है, इसके तमाम पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर के अंतर्गत ये नालों की और इस प्रकार की सफाई और खाद और उसके जो उससे अपशिष्ट निकलता है उससे खाद बनाना भी ये सब अभियान का एक मिशन का एक अंग है। तो उसके तहत हम चाहते हैं कि हम उनके निर्देशों का पालन करते हुए हमने जो एक प्रयास किया है, इसी क्रम में हमने शहर के अंदर लगभग 40 से 45 जो मंदिर हैं छोटे बड़े, उनसे जो प्रतिदिन के मात्रा में जो फूल और पत्तियां और नारियल के खोल जो आ रहे हैं उससे मैंने कलेक्टर साहब के बंगले के सामने एक पिट बनवाया है और उस पिट में वो अंतिम चरण में खाद बनाने का कार्यक्रम जारी है। हम ये चाहते हैं कि शहर का जो अपशिष्ट है वो जिसका खाद बन सकती है वो खाद हमारे परंपरागत रूप से हमारे भारत में हमेशा से होता आया था और उसी प्रक्रिया से हम नाडेव पद्धति से खाद बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से भी हमारी बातचीत हुई है और जो खाद बनाने में अनुभवी लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई है। उनका सबका ये अपना अभिमत है कि जो जलकुंभी है और जो फूल आते हैं उससे बहुत अच्छा खाद बनता है और वो खाद जब खेतों में डलता तो उसमें फसल की अधिक उपजाऊ होती है और खेत की मिट्टी भी अधिक उपजाऊ हो जाती है और उत्पादन भी बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो खाद हमारा उत्पन्न होगा, खाद जो पैदा होगा वो किसानों के बहुत उपयोगी साबित होगा और इसके लिए हमने नगर पालिका परिषद की PIC से इसका दर भी तय कर रखी है, 2 रुपये किलो हमने इसका भाव रखा है। जो भी इसको खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है नगर पालिका का कि फूल माला वगैरह जो भी है ये वेस्टेज ले जाके खाद बनाएंगे, जैविक खाद, तो इसका सदुपयोग होगा। यानी कुल मिला के यानी कि जो पहले पुराने ज़माने में चलता था वो वापस से होगा तो अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा अपना नीमच। और रहा जलकुंभी का भी, आज मैंने देखा कि जलकुंभी बच्चों को छोड़ने गया था सरस्वती स्कूल, तो वहाँ पर देखा मैंने कि जलकुंभी साफ कर रहे थे, तो ये अच्छा लगा कि ये जलकुंभी अब अपना जल भी स्वस्थ रहेगा, इससे गंदगी भी नहीं रहेगी शहर में। वो स्वस्थ सुझाव है, ये अच्छा है, ये ऐसी पहल चलती रहे तो शहर में जरा साफ स्वस्थ अच्छा रहे।